मैं जब यहाँ इलेक्शन से पहले आया था तो पावर लूम्स बंद हो रही थी, कई फैक्ट्रियां बंद हो रही थी और वो रियल एस्टेट की तरफ जा रही थी। बड़ा मुश्किल हालात थे फैसलाबाद के। तो मुझे बड़ी खुशी थी आज जब मैंने एमपीज और एमएनए से पता चलवाया, उन्होंने कहा जी आजकल लेबर नहीं मिल रही टेक्सटाइल की। तो मुझे बड़ी खुशी हुई इस चीज की कि शुक्र है हमारी रोजगार बढ़ रहा है। हमें अब टेक्सटाइल स्किल्स के लिए इंस्टीट्यूट बनानी है ताकि उनको ट्रेनिंग करवाएं, क्योंकि आपको वैल्यू एडिंग के लिए भी आपको लेबर चाहिए, क्योंकि जो स्किल टेक्सटाइल का अब जो लेबर है, जो वर्कर है, वो अब उसकी डिमांड बढ़ गई है और वो मिल नहीं रहा। ये अब आपके पास ऐसी गवर्नमेंट आई है जो कि जिसका काम है आपके मसले हल करना। इंशाल्लाह हम जैसे जैसे अपनी हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, और मैं सबसे अपील की मजीद और आप इन्वेस्टमेंट करें, और इन्वेस्टमेंट इस सोच से करें, आपको ये फिक्र ना हो कि एकदम कोई ऐसी पॉलिसी चेंज होगी जो एकदम आपकी इंडस्ट्री को इफेक्ट करेगी। हमारा काम है आपकी इंडस्ट्री की मदद करना, क्योंकि उससे एक आप रोजगार लोगों को देंगे और दूसरा वेल्थ क्रिएट करेंगे। मुल्क में जितनी जितनी आप दौलत बढ़ती जाएगी, मुल्क में आसानी होगी अपने कर्जे वापस करने में। फैसलाबाद वो शहर है जो कि पाकिस्तान की इंडस्ट्रियल सिटी है। आपकी सड़कों का जो भी हाल है, इसको इंशाल्लाह इसमें भी इन्वेस्ट करेंगे। कराची हमारा है, उसके लिए हमने बड़ा पैकेज तैयार किया हुआ है, क्योंकि ये नहीं कि फैसलाबाद ने मुझे वोट दी और कराची ने मुझे वोट दी, इस वजह से नहीं, क्योंकि आप पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल हब्स हैं। आप ऊपर जाएंगे तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा। तो इसलिए हमारी पूरी कोशिश है आपकी मदद करने के लिए। 1960s के बाद ये पहली दफा वो गवर्नमेंट आई है जिसका मेन पॉलिसी, इसका फैसला किया हुआ हमने कि हमने पाकिस्तान को इंडस्ट्रियलाइज करना है। जो भी आगे पॉलिसीज बनेंगी आपके साथ मुशावरत में बनेंगी। हम कॉन्स्टेंटली आपके साथ मुशावरत इसलिए करेंगे कि आपकी इनपुट आएगी तो हम आपकी रुकावटें दूर करते जाएंगे।